गुरु की नगरी अमृतसर वर्ल्ड वाइड फेमस है गोल्डन टेंपल के लिए, और उसी गोल्डन टेंपल के ठीक सामने है प्राचीन शनिदेव जी का मंदिर जहां पर हम आज जाने वाले हैं। अमृतसर की एक खूबसूरत हेरिटेज स्ट्रीट को पार करके स्वागत है। अमृतसर का इतिहास और यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर को हम आपसे रूबरू करवाते हैं जी। तो उसी सूची में एक नया नाम जुड़ने वाला है जो कि गोल्डन टेम्पल के पास शनिदेव का मंदिर होगा। जी 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 जी, अभी हम बैठे हैं हेरिटेज स्ट्रीट पे, तो यहाँ से सीधा जाएंगे। गोल्डन टेम्पल के ऑपोजिट ही है शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर, तो आज के हम वहाँ के दर्शन करेंगे और वहाँ का इतिहास के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हेरिटेज वॉक पार्टीशन म्यूजियम से स्टार्ट होकर आगे चलने वाला पार्क से होकर गोल्डन टेंपल तक लगभग 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और रात के समय ये हेरिटेज स्ट्रीट का नज़ारा तो और भी लुभावना हो जाता है। दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं जलने वाला पार्क के पास, जो अभी बंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल लॉकडाउन से पहले का ही बंद पड़ा है और अंदर रेनोवेशन किया गया है, तो जब भी चलने वाला पार्क ओपन होगा हम यहाँ का व्लॉग तो जरूर बनाएंगे। ये शिला पे महाराजा रणजीत सिंह जी का उनकी जो जर्नी है लाइफ की, वो उसके बारे में लिखा है 1780 से लेकर 1839 एडी तक। ये ऊपर उनकी एक बहुत अच्छी प्रतिमा। वाह, लोगों की भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई अमृतसर काफी बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है। दोस्तों, हम शनि मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे देख रहे शनि जी का मंदिर आ गया है जी। स्ट्रीट वॉक को क्रॉस करते हुए बिल्कुल शनिदेव जी के फ्रंट में खड़े हैं, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट गोल्डन टेम्पल है। तो गोल्डन टेम्पल, जो भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, हमारे शनिदेव भी जरूर आते हैं। जरूर आते हैं, चलो आगे दर्शन करते हैं। आगे दर्शन। अभी हम मंदिर के परिसर में खड़े हैं, चलिए आइए दर्शन करते हैं। यहाँ मुख्य द्वार पे नाम लिखा है जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई, श्री हरकत राय सिंघानिया जी। और ये है शनिदेव जी के दिव्य दर्शन, अद्भुत और अति सुंदर। हमको यहाँ पंडित जी ने बताया कि भव्य मूर्ति सोने की कसौटी, अर्थात सोने का जो पत्थर होता है, उसकी बनी हुई है। चलिए परिक्रमा करते हैं। हमको बताया गया है कि यहाँ एक ही दिन में क्विंटल तक तेल चढ़ता है, और बहुत से लोगों की मनोकामना यहाँ सिद्ध होती है। नमस्कार जी। जी, तो आपका अपना शुभ नाम बताइए। दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, तो दिनेश शर्मा जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? सारी क्या है, तीन दादों की प्रॉपर्टी है। अच्छा जी जी जी, तीन दादों की यहाँ पे ड्यूटियाँ चेंज होती है। एक दादे की 12 महीने की ड्यूटी आती है, उनके अंदर जो जिसके जितने बच्चे हैं उससे उस हिसाब से इसको डिवाइड किया। ठीक है, हमने बात पढ़ा है, 761 लिखा है। हाँ, तो मंदिर की 1761 में ये मंदिर बना। जी जी, ये किसी भगत के ना किसी के संतान नहीं थी, तो हमारे पूर्वजनों ने उनको ये वचन दिया था कि तुम्हारे घर है ना बच्चा हो जाएगा,
उनके घर लड़का हुआ, उन्होंने आके हमारे बुजुर्गों को पूछा कि तुम्हारे को क्या चाहिए। उन्होंने बोला मेरे को एक शनि का मंदिर बना दो। तब से ये मंदिर बना हुआ है। हजरत राय नाम उसका है जिन्होंने सिंगानिया ये 1761 में बना के दिया है। अब इनके जो है हमारे जो है ना बच्चे हैं जैसे जैसे डिवाइडेड होता जाता है। मनोकामना पूर्ण की इसीलिए ये मंदिर बना है। और पूरे पंजाब में एक ही मंदिर था, पूरे पंजाब में एक ही। उस टाइम एक ही मंदिर था, इसमें कोई इनकम नहीं थी, केवल हमारे बुजुर्ग आते थे सेवा करते थे, कोई इनकम नहीं थी। ये 1984 के बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी इनकम होने लग गई, सारी जाति के एक सारी कास्ट आने लग गई। पूरे बाद ये ऐसे ही हुआ। चमत्कारी यहाँ जो भगत आते हैं उनकी सबकी मनोकामना होती है, पूरी होती है। ये सोने के कसौटी की मूर्ति बनी हुई है। अच्छा, सोने की मूर्ति है। और कोई भी मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दो हाथियों की जोड़ी है, उसके ऊपर इसका रथ है, रथ के ऊपर शनि भगवान बैठे। हर शुक्रवार को इसको पांचा अमृत से स्नान किया जाता है, हर शुक्रवार। और शनिवार को ये 4 बजे खुलता है और संडे को है 2:30 बजे बंद होता है रात। हाँ वो जो है ना पहले इसका तोड़ने का था, प्रमाण है था। ये मूर्ति है ना यहाँ तक की है, इतनी जगह है ना रोड में मिलाने का था, लेकिन है ना भगवान ने नहीं चाहा, उन्होंने फिर हमारे को ये ब्राह्मदा है ना उन्होंने बना के दिया। अच्छा, ये आगे फिर आगे वाला जो ब्राह्मदा है वो किसी अफसर ने बना के दिया। ठीक है। उस अफसर को जाके ना ये पहुंच गए थे उनके घर ही कोठी में, शनि भगवान वहाँ पे चले गए। अच्छा। उनको जाके बोलते तू मेरा मंदिर तोड़ेगा। अच्छा। बोलता है आप मेरे को आदेश है, बोलो जा तोड़ ले। अच्छा। वो है कि एक मजदूर को लाया, वो मजदूर है ऊपर से गिर के मर गया। उसके बाद ये मंदिर की है ना वो तो चारों तरफ की है काली टाइलों से सेवा करवाई, एक ईंट के बदले। साथ साथ यहाँ पे अभी भी साक्षात है, आप वहाँ पे नहीं सो सकते, कोई पुजारी नहीं सो सकता। ये 4 बजे ना अपने आप ही उठते हैं, उठ के है ना जैसे है ना छोटा नहीं होता इसकी सवारी नौ है। हाँ जी, इनकी सवारियाँ नौ है, किसी भी देवता के पास में 9 सवारी नहीं है, ये देवता के पास में 9 सवारी है। वो जोटा जो है ना वो अपने आप ही घुंघरू की आवाज़ आती है। उसको घुंघरू की आवाज़ आएगी उसको रास्ता देना ही पड़ेगा। और बाकी सारे भगत लोग हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो लोग कोई कुछ चढ़ा जाते हैं कोई कुछ चढ़ा जाते हैं। साढ़े साथी का कुछ बताइए कि लोग करते हैं इससे। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता, शनि है न्यायप्रिय, तुम्हारे जीवन के अंदर जो तुम किया है उनका ही दंड देता है। जिसको न्यायप्रिय देवता बोलते हैं ये न्याय करता है। शनि कभी साढ़े साथी कभी नहीं खराब होती, और सारे देवता एक राशि पकड़ता है, शनि हमेशा 5 राशि पकड़ता है। इसमें 3 राशि को 6.5 सती चलती है। अच्छा, 7.5 साल। हाँ, चलती है। 2 राशियों को दैया चलता है। अभी जो राशि के धन राशि को पैरों पे है, धन राशि को पैरों पे है उतर रही है, वो 2022 में उतरेगी। जड़ी जो मकर राशि है उसको यहाँ पे हृदय पे है, उसको अभी 5 साल बाकी है। जेरे कुंभ राशि है उसके मस्तक पे है, तो उसको 7.5 साल चलना, 2.5 साल मस्तक पे, 2.5 साल पेट पे, 2.5 साल पैरों पे। अच्छा, कुंभ राशि का कुंभ राशि तो तेरे अभी शनि है ना सर पे है। अच्छा, तो क्या उपाय करने चाहिए? शनि का उपाय यही है, शनिवार को तेल और माँ चढ़ाओ। अच्छा, कुत्ते को दही डालो, कां को दही डालो,
मिथुन राशि से कोई संबंध है? मिथुन राशि को भी अभी है ना डैया चल रहा है, वो भी 2022 में ही खत्म हो गया। उसको ढाई साल का मतलब होता है 10 महीने, मतलब 10 महीने छाती पे 10 महीने पैर। शनि की जड़ी है ना, शनि लोगों को बनाता है, शनि बिगाड़ता है, ये अपने कर्मों का फल है। एक चीज और जानती है, शनिदेव और सूर्य जी की बनती नहीं है। हाँ, ये पिता और पुत्र है। हाँ, पिता पुत्र है, लेकिन ये जो है ना, इसकी जो है सूर्य भगवान की जो पत्नी है, इसने सूर्य का तप सहन नहीं किया, तो उसने जैसे अपन चलते हैं ये परछाया नहीं होती है, वो परछाया छोड़ के वो अपने मायके चली गई। तो सूर्य भगवान ने तो यही सोचा, चलो है कि ये मेरी है, एक ऐसा पत्नी है, उसने उसको गर्भ धारण कर दिया, तो ये शनि पैदा हुआ। तो शनि है कि ये काले रंग का था, तो सूर्य भगवान ने है कि उसको पत्नी को बोला कि ये पुत्र मेरा नहीं है। तो छाया बोली, मैंने 9 महीने इसको पेट में रखा है, तो ये मेरा बच्चा है और आपने पैदा किया है। तो शनि भगवान है ना, वो उसी दिन से इनकी है ना, शनि से और सूर्य की कभी नहीं बनी, वो फिर इनको जंगल में निकाल दिया, ये जंगल में विद्या प्राप्त की थी, और शिव जी इनका गुरु है। जय शनि, जय शनि, जय शनि। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमें नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए रेकमेंड करिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे एक नए सफर पे, नई जगह पे और नए लोगों के बीच। तब तक आप खुश रहिए, सबको खिलाते रहिए हम बरसरों की तरह, और हमारे चैनल को प्यार देना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ओके, टेक केयर।